नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये है न्यूज 21 राजस्थान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस में हम कोशिश करते हैं कि नागौर जिले की हर जरूरी खबर के साथ साथ आपके लिए जरूरी राष्ट्रीय, प्रादेशिक और मौसम विज्ञान की भी जानकारी हम आपके बीच में रोज लेकर आए। यही क्रम लगातार जारी है। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम किमताना में बीती रात वीर तेजा मंदिर में आयोजित हुआ विशाल तेजा गायन कार्यक्रम एक शाम तेजा जी के नाम कार्यक्रम में प्रख्यात कलाकारों ने की शिरकत। वीर तेजा सेवा समिति के अध्यक्ष निम्बाराम बेनीवाल तथा उपाध्यक्ष दयालराम जाखड़ ने बताया कि 2019 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिवर्ष तेजा गायन का मंदिर परिसर में रखा जाता है आयोजन। इसी क्रम में कल तीसरा तेजा गायन कार्यक्रम हुआ आयोजित, जिसमें ओम बिरड़ा, सुनारी, रूपाराम पादरा, खरवालिया सहित अन्य पार्टियों ने तेजा गायन तथा पायल राजस्थानी, महावीर बहादुर, राजू चौधरी, अजय, गणेश माली, सोनू माली व पिंटू माली की तरफ से नृत्य प्रस्तुतियां देकर बांधा गया समा। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों के बड़े संख्या में तेजा भक्तों ने उपस्थित होकर लगाई हाजिरी तथा लाइव प्रसारण से भी क्षेत्र के लोगों ने कार्यक्रम का उठाया लुत्फ। कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए न्यूज 21 राजस्थान को सौंपी गई जिम्मेदारी। आप भी अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में डिस्क्रिप्शन में दिए गए आसान से नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं न्यूज 21 राजस्थान से संपर्क। डीडवाना शहर में सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के पूर्व एडीजी आरपी सिंह का मेघवाल सभा भवन में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया स्वागत। इस मौके पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मिले पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार के लिए भी दी गई बधाइयां। कल आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न संगठनों ने माला एवं साफा पहनाकर सिंह का किया सम्मान तथा इस दौरान सिंह ने अपनी पुस्तक का जिक्र करते हुए बताया कि कोरोना के समय का सदुपयोग कर पुस्तक लेखन करते हुए राजस्थान पुलिस को पुस्तक की गई है समर्पित। जानकारी के अनुसार सिंह हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों अपनी पुस्तक पुलिस कर्तव्य एवं दायित्व के लिए प्राप्त कर चुके हैं पुरस्कार। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कल मकराना नगर परिषद कार्मिकों को मिले आवश्यक दिशा निर्देश। परिषद कार्यालय में सभापति, उपसभापति एवं आयुक्त द्वारा परिषद के कार्मिकों की आयोजित की गई बैठक, जिसमें आगामी 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए तैयारियों पर की गई चर्चा। अभियान के दौरान आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी करने, अनुसूचित कच्ची बस्तियों में कब्जे का नियमन करने जैसे बिंदुओं को लेकर विस्तृत रूप से हुई चर्चा। बारिश में शिक्षा नगरी की टूटी सड़कें दे रही है हादसों को निमंत्रण। कुचामन बस स्टैंड से लेकर कुचामन कॉलेज तक सड़कें स्वयं बता रही हैं अपनी बेबसी। रोड के टूटी फूटी होने के कारण मध्य में बने खड्डे दुपहिया और चार पहिया वाहनों के हादसे को दे रहे हैं दावत, जिसमें कई बार दोपहिया वाहन फिसल कर गिर चुके हैं। शहरवासियों ने इसे लेकर जताई है नाराजगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए उचित समाधान कर शिक्षा नगरी की बचानी चाहिए लाज। मौलासर की गोहत्या प्रकरण में उपखंड मजिस्ट्रेट लाडनू को कल सैकड़ों सर्व समाज के बंधुओं एवं गो भक्तों ने मिलकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करने तथा फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की गई मांग। ज्ञापन में भविष्य में इस प्रकार का कृत्य दोबारा नहीं हो इसके लिए माकूल प्रबंध किए जाने की भी कही है बात। 10 लक्षण महापर्व के तहत भगवान का किया गया महामस्तक अभिषेक। मकराना शहर के मंगलाना रोड स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे महापर्व के चतुर्थ दिन
भगवान का महामस्तक कर आरती करते हुए दुनिया में शांति और कल्याण की गई प्रार्थनाएं। थावला के वरिष्ठ पत्रकार अजय का आकस्मिक हुआ निधन। लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित, कल 47 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र एवं पत्रकारिता वर्ग में छाई है शोक की लहर। परबतसर उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोकरिया का कल नामकरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। विधायक रामनिवास गावड़िया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि देश की खातिर शहीद हुए सैनिक प्रेम सिंह के सम्मान में उनके नाम से विद्यालय का नामकरण होने पर वहां पढ़ने वाले बच्चों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना होगी जागृत। इसी प्रकार परबतसर के निकटवर्ती ग्राम कौलाद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सरकार की आईटी लैब योजना के अंतर्गत 25% सहायता राशि भामाशाह परिवार द्वारा दिए जाने के उपलक्ष्य में कल विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामवासियों ने भामाशाह परिवार का माला एवं साफा पहनाकर किया सम्मान। नावा उपखंड मुख्यालय पर श्री श्याम परिवार के तत्वाधान में माली भवन में वन विहार महोत्सव की रही धूम। स्थानीय आयोजक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्याम बाबा का हुआ कीर्तन, कलाकारों ने भजनों के माध्यम से बाबा को रिझाया। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। कार्यक्रम को लेकर यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अथवा स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपने गांव कस्बे की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि न्यूज़ 21 राजस्थान को किसी विशेष कार्यक्रम को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर, कुछ विशेष पक्ष को लेकर कार्यक्रम चलाना चाहिए तब भी आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।